दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है ये वैकेंसी जजाकी कंपनी की तरफ से आ रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस कंपनी की तरफ से मैं पहले भी रिक्रूटमेंट लेकर आई थी। जो रिक्रूटमेंट आपके ऑफ कैंपस थी और वहाँ हमारे कई सारे स्टूडेंट गए भी थे जो अभी भी जॉब कर रहे हैं। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये बेसिकली वैकेंसी हमारे उन्हीं स्टूडेंट ने शेयर किया है। आप भी टेलीग्राम पर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसी अपडेट मिलती है जो आप लोग उस कंपनी में वर्क करते हैं और अदर स्टूडेंट भी जा पाए, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाइए। टेलीग्राम पे स्मार्ट जॉब ओनर को सेंड कर दीजिए, तो आप लोग जो भी अपडेट सेंड करेंगे वो मुझ तक पहुंच पाएगी। देखिए गाइस, यहाँ पर ये यजाकी जो कंपनी है, एक ऑटोमेशन कंपनी है। देखिए, ऑटोमेशन पार्ट सप्लाई करती है। साथ ही गाइस, ये आप लोगों की कंपनी बहुत ही अच्छी है। अगर देखें, देखिए गाइस, हर तरीके की है। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो अच्छी भी है, और अगर स्किल नहीं है तो वर्क हार्ड भी करना पड़ जाता है। तो हर तरीके का वर्क रहता है, डिपेंड करता है कि आपको वर्क किस प्रकार का मिला है। अगर आपको PLC सॉफ्टवेयर आता है तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि हमारे जो कई सारे स्टूडेंट थे जिनके ऑलरेडी यहाँ पर और सीनियर भी वर्क करते थे, तो उन्होंने उनसे कंसल्ट करने के बाद PLC एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर सीखा। सॉफ्टवेयर सीखने के बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ पर अप्लाई किया। अप्लाई करने से जो PLC, आप लोग PLC के तौर पर आपका उनका जो है बहुत अच्छा जॉब लगा है, तो आप लोग वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी कंपनीज आती रहती है, उनमें कर सकते हैं। बट मोस्टली यहाँ आप लोगों की जो कंपनी रहने वाली है, वर्ल्ड लार्जेस्ट वायर सप्लायर कंपनी है। इसके लिए फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। साथ ही गाइस, अगर आप लोगों ने ITI किया है या फिर डिप्लोमा किया है, दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं। इसके वॉक इन इंटरव्यू के लिए अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। बाकी अगर आप लोग अपनी लोकेशन शेयर कर दीजिए, आपके आसपास के लोकेशन के नज़दीकी कोई भी ऐसी जॉब वैकेंसी आती है तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। तो गाइस, हम लोग बात करें यजाकी कंपनी के बारे में, तो यहाँ आप लोगों की पोजीशन ट्रेनी की रहेगी, एंड यहाँ आपका जो लोकेशन रहने वाला है गुजरात का रहेगा। बट गाइस, लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी वो राजस्थान की तरफ से आ रही थी। बट अगर आप लोग गुजरात के आसपास के कैंडिडेट हैं तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको स्टाइपेंड इन हैंड स्टाइपेंड दिया जा रहा है। जो हमारे ITI वाले कैंडिडेट हैं उनको 12,500 स्टाइपेंड दिया जाएगा। साथ ही गाइस, जो हमारे डिप्लोमा कैंडिडेट हैं उनको 14,000 दिया जाएगा। देखिए गाइस, अगर आप लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपको कोई भी स्किल नहीं आती है, तो आपको थोड़ा सा कम दिया जा सकता है। बट आप लोग एक बार पता कर लेना वहाँ जाकर, तो आपको पता चल जाएगा। ITI वाले अप्लाई करेंगे, साथ ही डिप्लोमा वाले एंड डिग्री वाले। अब ब्रांच की बात आती है, ऑलमोस्ट यहाँ ऑल ब्रांच ही एलिजिबल हैं। इस वैकेंसी के लिए फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जो फ्रेशर है सिर्फ वही यहाँ पर अप्लाई करें, एंड एक्सपीरियंस इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। गाइस, बैच की बात करें तो 2020 एंड 21, साथ ही गाइस 22 वाले कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप लोग ओवर टाइम इसके लिए जॉब करना चाहते हैं तो ओवर टाइम भी कर पाएंगे। यहाँ पर ओवर टाइम का अलग आपको चार्ज दिया जाएगा और काफ़ी सारी सुविधाएं दी जाएंगी। सुविधाएं जैसे आपका यहाँ बस फैसिलिटी दी जाती है एंड कैंटीन फैसिलिटी दी जाती है। साथ ही गाइस, आप लोगों की जैसे यूनिफॉर्म हो गई या फिर PF फंड वगैरह, मेडिसिन फंड, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। इनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी है, उस पर भी आप लोग कोई भी क्वेरी होती है पूछ सकते हैं। इंटरव्यू आप लोग का सुबह 10 बजे से रहेगा, इस तरीके से आप लोग पहुँच सकते हैं। वीडियो अच्छी है यहाँ पर आप लोगों को। और साथ ही गाइस, इसके जो इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू का जो यहाँ पर टाइमिंग है 10 बजे से रहने वाला है, एंड डेट भी आप लोगों को 10 दिसंबर दी गई है। 10 दिसंबर को 10 बजे से ये इंटरव्यू रहेगा। वेन्यू आप लोग देख सकते हैं,
आईटीआई कॉलेज है जहां आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया। अगर आप इस कॉलेज को जानते हैं या फिर आपके आसपास में है तो आप इस इंटरव्यू को देकर आ सकते हैं। गाइस आप लोगों को इसकी एप्लीकेशन जो फॉर्म है आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है अपना रिज्यूम एंड साथ ही अपना आधार कार्ड एंड पैन कार्ड और जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं जैसे आईटीआई का आपके डॉक्यूमेंट हो गए या फिर डिप्लोमा के या फिर ग्रेजुएट जो आप लोगों ने डिग्री की है इसके डॉक्यूमेंट प्लस 10th की मार्कशीट एंड 12th की मार्कशीट इन सभी का आपके पास फोटोकॉपी भी होना चाहिए प्लस आप लोगों के पास ओरिजिनल भी होना चाहिए। तो आप इन सभी डॉक्यूमेंट को लेकर जा सकते हैं। गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना जिससे कि आगे आने वाली अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल पाए।